अगला सेंटेंस देखो, आप स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा तार, तार सितार, अब सितार मत, ब ज में आ की मात्रा जा, बजा, पूर्ण विलाम, उसके बाद जो ये दाग है इस दाग को क्या बोलते हैं, पूर्ण विलाम। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है वैसे हिंदी में पूर्ण विलाम होता है। नेक्स्ट, क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न किसान, अ य में आ की मात्रा या, आया, पूर्ण विलाम। क में छोटी की मात्रा की, र न किरण, क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न किसान, स में आ की मात्रा साथ, साथ, ब ग में छोटी की मात्रा गी या, बगिया, तक तक, ज में आ की मात्रा जा। इस तरह से आपको पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ना है। मैं जल्दी से पैराग्राफ पढ़ देती हूँ ताकि जब आप इसे स्पेलिंग करोगे तो शब्द का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सको। नेक्स्ट है, किवाड़ पर, मैं पढ़ देती हूँ आप देखो, किवाड़ पर मत चढ़, पूर्ण विलाम, रवि आया, पूर्ण विलाम, किशमिश लाया, पूर्ण विलाम, किरण किताब पढ़, पूर्ण विलाम, फिर बाजार जा, पूर्ण विलाम, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, पूर्ण विलाम, किरण किवाड़ सटा, पूर्ण विलाम है। फिर तो पूर्ण विलाम आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सेंटेंस खत्म होता है तो आप उसे वहीं पे छोड़ दो। देखो मैं कैसे कर रही हूं, बचिया किधर गई, छोड़ दिया मैंने, यानी पूर्ण विलाम, सेंटेंस कंप्लीट। किरण बचिया पकड़, कंप्लीट, ओके। रवि बचिया पकड़ लाया, किरण झटपट एक गिलास जल लाई, गिलास गिर गया, वह डर गई। इस तरह से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। स्पेलिंग के साथ पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। बहुत सारे शब्द होते हैं जो रिपीटेटिव आते रहते हैं, सपोज किसान है, ठीक है, किरण है, तो ये बार बार आ रहे हैं, रिपीटेटिव आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, पहले एक बार आपने किरण पढ़ लिया, पहले एक बार किसान स्पेलिंग से पढ़ लिया, तो दूसरी बार आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो वही वर्ड है जो हमने पहले पढ़ा था, तो तब आपको स्पेलिंग करने की जरूरत नहीं। इस तरह धीरे धीरे शब्द जो है हमको याद होते जाते हैं। तो आप ये दोनों पेज पढ़ना और स्पेलिंग्स जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पेलिंग्स आप अपने कॉपी में लिख लेना, दो दो बार करके हर एक स्पेलिंग को आपको लिखना है। सितार बगिया धनिया बिटिया निखार शिकार जिधर किधर किसान रविवार परिवार, ठीक है, ये सारी स्पेलिंग्स आप दो दो बार करके लिखना, मैं आपको क्लियर पिक्चर दे दूंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।